મહત્વના સમાચારથી શરૂઆત કરીએ તો 15 થી 18 વર્ષની પતિ સાથે નહીં રાખી શકાય શારીરિક સંબંધ. સગીર વયની પત્ની સાથે શારીરિક સંબંધ મનાશે બળાત્કાર. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે જે નિર્ણય કર્યો છે ને અંગેનો આદેશ જે છે જાહેર કરાયો છે. આદેશને લઈને હાલમાં જે વિગતો મળી રહી છે, 15 થી 18 વર્ષની પત્ની સાથે શારીરિક સંબંધ નહીં બાંધી શકાય અને જો આ પ્રકારે કરવામાં આવશે તો તેને બળાત્કાર સમાન ગણવામાં આવશે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ નિર્ણય લીધો છે. માહિતી સાથે જોડાઈ ગયા છે સુશીલ કુમાર પાંડે, સંવાદદાતા. સુશીલ, જિસ તરહ સુપ્રીમ કોર્ટને જો આદેશ દિયા, ઇસ બારે મેં ક્યા જ્યાદા જાનકારી? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम प्रावधानों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि 15 साल से 18 साल के बीच में जो नाबालिग जो लोग हैं, नाबालिग जो पत्नियां हैं, उनसे बिना उनके कंसेंट के उनका पति संबंध नहीं बना सकता, और अगर उनका पति बिना उनके कंसेंट के संबंध बनाता है तो इसको रेप की श्रेणी में रखा जाएगा. 376 के इस अमेंडमेंट को लेके पहले से ही सरकार में अपवाद था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा था कि देश में हर प्रकार की प्रथा खत्म कर दी जा सकती है, सती प्रथा खत्म कर दी गई है. ऐसे में बाल विवाह जैसी जो स्थितियां हैं उन पर भी विचार किया जा सकता है, और उन तमाम पहलुओं पर सुनवाई करते हुए काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. लेकिन अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है वो साफ तौर से यही है कि अगर नाबालिग पत्नी से बिना उसके कंसेंट से संबंध बनाया जाता है तो ये रेप की श्रेणी में आएगा. जी बिल्कुल, से जिस तरह से ये आदेश दिया है सुप्रीम ने, जो निर्णय लिया है, साथ ही में बोला जाए तो इस तरह के केस, किस तरह के केस सुप्रीम को मिले हुए हैं और किस को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का आदेश दिया गया है? देखिए, मैरिटल रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से ही सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिका में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है. हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार ने विरोध जताते हुए ये कहा था कि जिन तमाम पहलुओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो 15 से 18 वर्ष के बीच की लड़कियां हैं जिनकी शादी हो जाती है, इसमें स्कूल ही असंवैधानिक घोषित किया जाए. लेकिन उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो आईपीसी की धारा है 375(2) कानून का ये अपवाद है कि अगर कोई 15 से 18 साल की बीबी या उसके पति से संबंध बनाता है तो वह दुष्कर्म माना जाएगा या नहीं. वहीं केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में ये कहा था कि कानून इस मामले में बहुत बेहतर है, और उन्होंने ये कहा था कि संसद ने सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए इस कानून को नहीं छेड़ा. सरकार ने कहा कि कोर्ट में इसमें दखल यही क्योंकि ये संसद का काम है. लेकिन साफ तौर से कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि अगर किसी भी नाबालिग पत्नी से बिना उसके मर्जी के उसका पति संबंध बनाता है तो निश्चित रूप से ये रेप की श्रेणी में आना चाहिए, और लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो यही है. इस फैसले से कहीं ना कहीं उन तमाम पहलुओं पर एक नजरिया साफ हो जाएगा जिसमें सती प्रथा और बाल विवाह जैसी स्थितियां अपने देश में चल रही थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ये तय हो जाएगा कि आने वाले दिनों में जो बाल विवाह जैसी स्थितियां बढ़ रही थी उस पर भी इनडायरेक्टली रोक लगाने का ये पहला कदम है. जी सुशील, धन्यवाद जानकारी के लिए. तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય સુપ્રીમ કોર્ટે આજે લીધો છે. 15 થી 18 વર્ષની પત્ની સાથે શારીરિક સંબંધ નહીં બાંધી શકાય. તો સાથે સાથે ખાસ કરીને બાળ વિવાહની સમાજમાં હજુ પણ જે આ પ્રથા ચાલી રહી છે, જે પરિસ્થિતિ છે, સામાજિક પરિસ્થિતિ, આ તમામ કેસો અને જે બાબતો સામે આવી હતી તેને જોતા સુપ્રીમ દ્વારા આ મોટો નિર્ણય કહી શકાય. કારણ કે બાળ વિવાહ પર રોક લગાવવાને લઈને પણ કેટલાય પ્રયત્નો વર્ષોથી ચાલી રહ્યા છે.